आज से 2 महीने या 2.5 महीने बाद अगर आप इस सड़क से आते हैं और जाते हैं तो आपको टोल प्लाजा का सामना करना पड़ सकता है। 5 लेन बनाया गया है। अगर आप इस सड़क से आते हैं जाते हैं तो आपको अब आपको पे करना पड़ सकता है। लगभग कितने महीनों में ये तैयार हो जाएगा? 2 महीने में तैयार हो जाएगा, ठीक ना। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सप्तक न्यूज। आज हम आ चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं। मरीन ड्राइव अपने आप में बहुत खास है, खास करके पटना के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा स्पॉट बन गया है घूमने फिरने के लिए। जैसा कि पहले माना जाता था कि पटना के सड़कों पे बहुत आपको ट्रैफिक जैम मिलते थे, बहुत रश मिला करता था, घंटों लोगों को सड़कों पे खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब जब से ये मरीन ड्राइव पटना में आ गया है तब से पटना की सड़कों पे आपको उतना ट्रैफिक और रश देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब यहाँ से ट्रैवल करने लगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई ट्रैफिक, कोई रश आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ईजिली गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, किसी प्रकार की यहाँ पर जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। पटना के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था ये, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करते थे पटना के लोग कि यहाँ पे मरीन ड्राइव आ गया है तो काफ़ी उनके लिए इजी हो गया, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। रोज़ाना इस मरीन ड्राइव पे हज़ारों लोग घूमने के लिए आते हैं, कई काम के पर्पस से भी आते हैं, कई घूमने के स्पॉट के पर्पस से भी आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ एक बैठने का टाइम स्पेंड करने का काफ़ी अच्छा जगह बन चुका है। कि अभी है कि आप अभी सड़क पे आसानी से आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं घूमने के पर्पस से या फिर काम के पर्पस से, लेकिन आज से 2 महीने या 2.5 महीने बाद अगर आप इस सड़क से आते हैं और जाते हैं तो आपको टोल प्लाजा का सामना करना पड़ सकता है, आपको टोल देना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोल प्लाज़ा बनाया जा रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये कुछ महीनों में बनकर प्रॉपर रेडी हो जाएगा, फिर आपको अगर आप इस सड़क से आते या जाते हैं तो आपको टोल देना पड़ सकता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे 5 टोल, यहाँ पे 5 केबिन्स बनाए गए हैं। हम आपको और अंदर चलते हैं और अच्छे से व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे 5 हाईटेक केबिन्स का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे बनाया जा रहा है काफ़ी, और 5 लेन बनाया गया है। अगर आप इस सड़क से आते हैं जाते हैं तो आपको अब आपको पे करना पड़ सकता है। आप जैसे पहले था, आप आते थे आराम से बैठते थे, बहुत लोग ऐसे भी थे जो घूमने के पर्पज से दिन में 2 बार 3 बार यहाँ इस रोड से क्रॉस करते थे, लेकिन अगर आप अब आते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। हम अंदर चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर टोल प्लाज़ा में हो रहा है, जो लोग यहाँ से गुजरेंगे और कब तक बन के ये तैयार हो जाता है। तो आइए हम यहाँ के टोल कर्मी से बात करते हैं कि कब से ये टोल प्लाज़ा स्टार्ट हो जाएगा, कब से लोग यहाँ का सर्विस लेना शुरू कर देंगे, कब तक ये बन जाएगा टोल प्लाज़ा? अनुमान तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही लगा सकता है। हम लोग तो जो काम था वो काम कर दिए, ठीक ना। लगभग कितने महीनों में ये तैयार हो जाएगा? 2 महीने में तैयार हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, काम लगभग 75% हो गया है, 25% ही बाकी है। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया है टोल प्लाज़ा के पास? व्यवस्था देख ही रहे हैं, केबिन पे भी सब बन ही गया है, जो भी लाइट फाइट का व्यवस्था है वो सब हो ही गया है। यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा? हाँ हाँ, कैमरा लगेगा, सब लगेगा। तो अब जो लोग आएंगे और जाएंगे तो उनको तो अब टोल टैक्स देना पड़ सकता है? अभी नहीं, जब टोल प्लाज़ा बन जाएगा उसके बाद तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टोल बाजार बनने के बाद टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्या कुछ है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का? तो खैर 4 व्हीलर का ही, 4 व्हीलर से लेकर के उसके बाद ऊपर तक जितना भी गाड़ी है। बस ट्रक का हुआ नहीं लगेगा? बस ट्रक जो आते हैं उन लोगों का तो चार्ज सबका सेम चार्ज रहेगा कि अलग अलग? चार्ज अलग अलग रहेगा। ये तो हमको लगता है कि अभी चालू नहीं होगा, क्योंकि आगे में जो उधर दिलदारगंज तरफ जो ब्रिज है वो बाकी है। लगभग कितने महीनों में तैयार बन के हो जाएगा इस तरह? आपको ब्रिज जो उधर वाला है ना, दिलदारगंज वाला, टाइम दिया है आपको 2023 में दिसंबर तक रेडी करके देने के लिए। हाँ, लेकिन इसी के लेकर के हम लोग टोल प्लाजा का काम शुरू हो गया है, समझिए तो रेडी है, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं रेडी। अब वही बताएगा BSRDC वाला ही बताएगा कि कब से चालू होगा, नहीं हो सके यहाँ से। कितना टोल टैक्स लग सकता है आप लोग कुछ अनुमान? अंदाजा नहीं है हमको, तो ये अंदाज़ा नहीं है कितना लगेगा। अभी चार्ज का आप लोग को पता? चार्ज के विषय में हमको पता नहीं है, समझे। ये सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पर टोल प्लाजा की? सब देखिए ना, व्यवस्था तो सब हो ही गया है। 5 लेन बनाया गया है? हाँ, 5 लेन बनाया गया है। हाँ, फ्री लेन कौन सा रहेगा? 2 व्हीलर उधर का है, फ्री लेन उधर वाला, उधर वाला फ्री का गंगा साइड। हाँ, हाँ फ्री लेन गंगा साइड रहेगा, और उधर में जो है आगे वाला में रहेगा उधर सिटी साइड, क्योंकि ट्रेलर जो भी है उधर से ही जाएगा, ट्रेलर इधर से जाएगा नहीं, उस साइड की उस तरह से व्यवस्था की गई। बड़ा वाला व्हीकिल जो है उधर से ही जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, छोटा वाला के लिए है इधर। और वो किस चीज़ के लिए वो बनाया गया? वो सिग्नल कांटा है, कांटा
अच्छा वजन करने? हाँ हाँ वजन करने के लिए कांटा नहीं होता है व्हीकल का वेट मेजर। हाँ हाँ एक उधर भी है एक आगे में भी है। अच्छा आगे भी लगाया गया है। इधर इधर से जाएगा तो उधर के लिए, उधर से आएगा तो उधर के लिए। ओके थैंक यू।